कॉमेडियन वीर दास अपने भारत विरोधी बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। वीर ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। 6 मिनट के इस वीडियो में वीर ने अमेरिकी लोगों के सामने भारतीयों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में जिक्र किया, जिसे लेकर वे मुश्किल में फंस गए हैं। एक्टर और कॉमेडियन वीर दास उन शख्सियतों में से एक है जो अपने काम से ज्यादा अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं। वीर दास एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। वीर दास पर देश का अपमान करने का आरोप लग रहे हैं। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी और भारत को महान देश बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसकी एक कॉपी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मैंने कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ मुंबई पुलिस में अमेरिका में भारत की छवि खराब करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जो भड़काऊ है। उन्होंने जानबूझकर भारत, भारतीय महिलाओं और भारत के पीएम के खिलाफ उकसाने वाले और अपमानजनक बयान दिए हैं। बता दें, वीर दास ने अपनी कविता में लिखा है कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उसके साथ दुष्कर्म होता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां आप एक यूवन 9000 हैं, फिर भी हम अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे गिनते हैं। जब लोग विरोध में आए तो उनको सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा और कहा कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। वीर दास ने आगे कहा कि लोग भारत को एक उम्मीद के साथ देखते हैं, नफरत के साथ नहीं। लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं इस गर्व के साथ जीता हूं। अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आरती। खबरों के लिए बने रहिए मधुभाषी के साथ।